बढ़ते हुए बात अब सलमान खान की। हिटनन मामले में पेशी के लिए सलमान खान मुंबई के सेशन कोर्ट पहुंचे थे। सलमान के साथ उनकी दोनों बहनें अर्पिता और अलविरा भी कोर्ट पहुंची हुई थीं। कोर्ट ने इस मामले पर सलमान खान पर गैर इरादतन हत्या का केस चलाने का आदेश दिया था और एक महीने के अंदर अदालत में पेश होने के लिए कहा गया था। अगर सलमान पर आरोप साबित हुए तो उन्हें 10 साल तक की सजा हो सकती है। आपको बता दें, हिट एंड रन मामले में आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब अगली सुनवाई 24 तारीख को होगी, 24 जुलाई को होगी। यानी कि आरोप तय करने के साथ ही मामले को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, ये फैसला 24 जुलाई को कोर्ट तय करेगा। हिट एंड रन मामला क्या है वो आपको हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि पहले सलमान खान की ओर से तर्क ये दिए गए थे कि दरअसल उनका ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और वो पीछे बैठे हुए थे, लेकिन बाद में गवाहों की गवाही के बाद ये साबित हो गया कि सलमान खान ही तेज रफ्तार से ड्राइव कर रहे थे, जिसके बाद फुटपाथ पर हो रहे लोगों पर उन्होंने अपनी गाड़ी चढ़ा दी थी। मौके पर एक शख्स की मौत हो गई थी, 4 लोग जख्मी हुए थे। 17 गवाहों की गवाही इस पूरे मामले में दर्ज की गई। उसके बाद शिकायतकर्ता कि वकील आबस सिंह की ओर से कई आरोप भी लगाए जाते रहे सलमान खान के ऊपर कि पुलिस किस तरह से उनकी मदद कर रही है और बचाने की कोशिश, लेकिन इस पूरे मामले में पिछली बार सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कर दिया था कि सलमान खान के ऊपर गैर इरादतन हत्या का मामला ही चलेगा। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये दोनों ही तस्वीरें आज की हैं। आपको बता दें, सलमान खान नीले रंग की प्लेन शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट में पहुंचे हुए थे कोर्ट में, क्योंकि काफी दिनों से वो शूटिंग में व्यस्त थे, लेकिन आज वो मुंबई पहुंचे थे। और दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, उनकी दोनों बहनें अलविरा और अर्पिता उनके साथ तो एक गाड़ी में नहीं गई, लेकिन अलग से ये लोग पहुंची हुई थी कोर्ट में, ताकि इस मुश्किल भरे वक्त में सलमान खान के साथ वो कोर्ट में मौजूद रह सके। बहरहाल 24 जुलाई को पूरे मामले में अब सुनवाई होगी। 24 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। सलमान खान आज कोर्ट में पेश हुए और आपको ये भी बता दें कि बकायदा पहले तो वो आम लोगों के साथ बैठे हुए थे चेयर पर, लेकिन बाद में उन्हें कटघरे में बुलाया। सीधे जज की ओर से ये कहा गया कि आरोपी कटघरे में खड़े हों, और उसके बाद ये फैसला दिया गया कि सुनवाई 24 तारीख को होगी। यानी कि 24 तारीख को यह तय होगा कि अब यह पूरा मामला सलमान खान के लिए मुश्किलें किस कदर बढ़ाता है। चौबीस तारीख को सलमान खान को खुद भी कोर्ट में पेश होना रहेगा, जज साहब की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया है। फिलहाल मुश्किलें यहां पर सीधे सलमान खान की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं।